गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं आज आपके न्यू ईयर का दूसरा दिन है, तो फिर फर्स्ट डे 1 तारीख को हम लोगों ने आपको वीडियोस नहीं सेंड किए थे, बाकी वर्क सेंड किया था ग्रुप में। तो आप लोगों ने वर्क के साथ काम किया और कुछ सम्स ऐसे थे जिनमें प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि ये। तो जब आप लोगों ने हमसे ये पूछा है तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर देने जा रहा हूं आप लोगों को। ये आप लोगों की एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है, मैंने नंबर 1 डाल रखा है। तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी में इसको सीक्वेंस से नंबर 5 ही डालिएगा, क्योंकि नए डे का वीडियो था इसलिए मैंने इसको नंबर 1 डाला है। देखिए, प्रोसेस जो पहले होता रहा है सेम प्रोसेस इधर भी है। कह रहा था cos a के इक्वल्स टू 2, तो व्यंजक 1/10 में प्लस साइन ए अपॉन 1+ कॉस ए का मान लिया। तो देखिए, हम इसमें एक चीज अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक इन सवालों में ट्राइंगल ना बने तब तक हम इन सवालों को प्रूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। अब एंगल ए की बारी, एंगल ए बोल रहा था तो ए इसको पॉइंट कर दीजिए, क्योंकि खड़ी वाली साइड लंब होती है यानी परपेंडिकुलर होती है, जिससे हमको पता चले कि कोण ए के सामने वाली भुजा हो गई लंब। ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। ये संपूर्ण त्रिभुज पे बोध करता है इसलिए 90 डिग्री की साइड हो गई, तो ये मेरा हो गया कर्व, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गई हमारी लंब, तो जो बची भुजा वो मेरी क्या हो गई, आधार, ठीक है। ट्राइंगल का जो मेन सीक्वेंस यही होता है कि लेटी साइड आधार, खड़ी वाली लंब और तिरछी वाली कर्व। तिरछी वाली का मतलब 90 डिग्री के सामने वाली, लंब का मतलब जो कोण बोला जाए उसके सामने वाली। अगर यहां पे एंगल सी दिया होता तो हम यहां पे सी लिखते, इसको नहीं चेंज कर सकते थे क्योंकि ये 90 डिग्री का ही होता है। ये चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये 90 डिग्री का है। अगर यहां पे एंगल बी दिया होता तो मैं भी यहां लिखता, ठीक है। तो एंगल अपने हिसाब से चेंज करने पड़ते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, ए एंगल था तो ए मैंने यहां पर लिखा है। क्यों लिखा है, इससे कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण और ये आधार मेरी बन जाए। आप देखिए कुछ चीजें ध्यान से। अब लंब आधार कर्ण, हम इसमें कौन सी भुजा की वैल्यू क्या दे रखी वो कैसे लिखें, उसके लिए मैंने एक चीज आपको बताई थी, एल ए एल बटे के के के। इससे हमको इसकी सहायता से जो हमको कॉसेक ए बराबर 2 दे रखा है, इसके अपॉन में हम 1 लेट कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि ये लंब है 2, कि आधार है 2, कि कर्ण है 2। एक लंब है कि आधार है कर्ण है, ये हमें किससे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। हमें पता है सबसे ऊपर होता है साइन, इसके बगल में होता है कॉस और इसके बगल में होता है टेन, यानी एल साइन के ऊपर, ए कॉस के ऊपर और ये वाला एल किसके ऊपर, टेन के ऊपर। अब नीचे से आ जाइए, के होता है कॉसेक, ये वाला के होता है सेक और ये वाला ए होता है हमारा कॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमको पता चल गया। तो अब हम इसको बाय स्टेप टू स्टेप कैसे करेंगे, जब हमारा दे रखा है कॉसेक की वाली, तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या होगा, के अपॉन एल, यानी कॉसेक के आगे पहले क्या लिखेंगे, के, और के ऊपर क्या मेरा एल, तो इसको हम क्या लिख देंगे, के अपॉन एल, यानी कर्ण 2 लंब हमारा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया कर्ण, इसकी वैल्यू दे रखी है 2, लंब जो हमारा है 1, इसकी वैल्यू दे रखी है 1। अब हम क्या फाइंड आउट कर ले इसमें, आधार कैसे फाइंड आउट कर ले, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय में वैल्यू क्या होती है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, टू, टू का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है, वन, वन का स्क्वायर। और बी ए आधार है तो पता नहीं, बी ए की जगह बी ए स्क्वायर। अब देखिए टू का स्क्वायर हो गया मेरा, टू का स्क्वायर मेरा हो गया फोर, वन का स्क्वायर वन प्लस बी ए फोर माइनस square।
थ्री होती तो मैंने डायरेक्ट थ्री लिख दी, प्लस वन अपॉन टू प्लस अंडर रूट थ्री। आप देखें टू रूट थ्री प्लस थ्री प्लस वन फोर अपॉन टू प्लस रूट थ्री। आप देखिए टू कॉमन लीजिए, रूट थ्री प्लस टू अपॉन टू प्लस रूट थ्री, कट वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स टू। ये हमारा सम्स का पूरा आंसर हो गया। तो सम ये देखने में थोड़ा सा बड़ा है स्टूडेंट्स, बाकी जैसे ही आपने सारे ट्राइंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ट्राइंगल के सबकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद केवल आपको इन 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 में उनकी वैल्यू रख के केवल सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर आ गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको दूसरे टाइप के सम्स बताऊंगा जिसमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कैसे इक्वल होती है। देखिए ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं जो अभी तो बहुत छोटे छोटे से हैं, दो दो लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे, बट जैसे ही आप बड़ी क्लास में एट में जाएंगे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, और नाइन्थ और टेंथ में तो ये काफी बड़े बड़े सम्स होते हैं। बट जो प्रोसेस हम बता रहे हैं अभी, उसी प्रोसेस के साथ अब अगर आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आराम से हो जाएंगे। इसी प्रोसेस के साथ आपको हर क्लास में ही करना होगा। देखिए इसपे हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीज देखनी होती है। सबसे पहले देखिए इक्वल टू के साइन को देखिए, ये लगा हुआ है, तो इक्वल टू के एक तरफ ये वाला हाथ रखा और एक तरफ देखिए मैंने चौक वाला हाथ रखा। तो हम चौक हम राइट हैंड साइड से लिखते हैं, तो इसका मतलब ये साइड हमारी जो होती है इक्वल टू के इधर, ये सब कहलाती है हमारी आर एच एस, और जिससे हम नहीं लिखते ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो ये पूरी साइड इसमें चाहे जितनी डिजिट हो ये सब कह रहा है हमारी कौन सी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। ये मत सोचिएगा यहाँ पे एक है तो राइट हैंड साइड, अगर प्लस 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 कुछ भी होती तो वो भी सब हमारी किसमें जाती राइट हैंड साइड में। बस याद रखना होता है कि इक्वल टू के एक तरफ एक हाथ रखना है और इक्वल टू के दूसरी तरफ दूसरा हाथ उनको रखना है। सब स्टूडेंट इसको हम रख कर रहे हैं क्योंकि हम सम बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है सबसे पहले कि कॉसेक ए इंटू सेक ए, कॉसेक ए इंटू टेन इज इक्वल टू सेक ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा ये पार्ट है इसको नोट करते हैं, कॉसेक ए इंटू टेन। ठीक, अब देखिए कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है वन अपॉन साइन, तो कॉसेक ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन साइन। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए, और टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस। अब यहां ब्रैकेट लगा के रीजन दीजिएगा कैसे कि कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है वन अपॉन साइन ए एंड टेन ए इज इक्वल टू होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखिए साइन से साइन कट, तो वन अपॉन क्या आ गया कॉस ए, और वन अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए वन अपॉन कॉस ए को ही हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा एंड प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक बार देख लू ये वीडियो पूरी आई है कि नहीं तो मैं रफ करके आगे बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट एक सेकेंड, हाँ स्टूडेंट ये पूरी आ गई है वीडियो, तो आपको ये चीज समझ में आ गई ये मैंने कैसे किया है। तो
तो इसी तरीके से आपको सॉल्व सम को सॉल्व करना है। उस वाले क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड से फिर स्टार्ट करेंगे। गिवन है सेक ए इन डॉट पॉट ए, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने यहां लिखा है सेक ए इज़ इक्वल क्या होता है, वन अपॉन कॉस ए, तो इसको वन अपॉन कॉस ए मल्टीप्लिकेशन। अब कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन, ठीक है। तो फिर से यहां लिख दीजिए कि क्या cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन साइन a एंड sec a इज इक्वल टू वन अपॉन cos a, ठीक है। ये चीज आ गई आपको समझ में। अब देखिए cos से cos कट गया, वन अपॉन क्या आ गया हमारा साइन। अब वन अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। क्यों? देखिए मैंने यहां पे लिखा है कॉसेक ए इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ए, यानी वन अपॉन साइन ए है, अगर उसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए। यहां लिख के लिख दीजिए क्या कि वन अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखिए स्टूडेंट इसमें दो क्वेश्चन मन से बनते हैं कि सर आपने हर क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से किया, राइट हैंड साइड से क्यों नहीं किया? तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट बड़ी थी, बड़ी डिजिट को हम कट करके छोटी में बना सकते हैं, इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से किया। यहां तो डिजिट छोटी है, छोटी को बड़ा करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है, तो इसीलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड से किया। दूसरी चीज, आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन को अगर साइन और कॉस में तोड़ के करेंगे तो आपका सम हो सकता है लंबा हो जाए बट प्रूव हो जाएगा। ये हर क्लास का रूल होता है कि ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन को अगर आप साइन कॉस से प्रूव करते हो तो थोड़ा सा लंबा जरूर होता है पर टिल टू एंड वो प्रूव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके आज तीन सम्स, दूसरे के दो पार्ट थे, एक मैंने पहले बताया। तो इन सारे सम्स को आप लोग फेयर कॉपी में साफ साफ नोट डाउन करिए और कहीं भी कुछ ना समझ में आए तो मैसेज या कॉल के थ्रू पूछिए। स्टूडेंट इसको करना बहुत जरूरी है, इससे कुछ गड़बड़ ना हो तो आप लोग इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसके बाद सम्स आपके खत्म हो जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग की ट्रिग्नोमेट्री के इसलिए क्वेश्चन कम है। बट आप